Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of cell injury, cell death or adaptation. आज के इस वीडियो के अंदर जो सेल इंजरी या सेल डेथ और उसके अडाप्टेशन के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं और जिस बुक से हम करेंगे उसका नाम है MBBS क्रैक्स थर्ड ईयर. ओके, तो आज के इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे. MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, SCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है. तो शुरू वाले पॉइंट्स है वो अडाप्टेशन से रिलेटेड है. इसको आप ये समझ लो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर वो अडाप्टेशन वाला टॉपिक है. ठीक है, तो यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करूँगा, इनका रेफरेंस भी रॉबिन से दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि सेल इंजरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है और कुछ टॉपिक को तो पढ़ना ही कुछ नहीं है. तो आई थिंक पहले आपको मैं टॉपिक्स बता दूँ, इसकी मार्किंग बता दूँ जो आपने सेलेक्टिवली तैयार करना है. तब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है. अब मैं इन टॉपिक्स की जो वेटेज बता रहा हूँ, इन वेटेज की बेसिस ये है कि पास्ट पेपर में कितनी मरतबा आया है और वाइवा के अंदर कितनी मरतबा सुने जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को. तो यहाँ से आपने पैथोलॉजी की डेफिनेशन नहीं बल्कि कभी कभार वाइवा के अंदर इन चार फैक्टर्स के नाम आ जाते हैं कि पैथोलॉजी के जो चार प्रिंसिपल्स होते हैं, एटियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, मॉर्फोलॉजी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसके सिर्फ डेफिनेशन को रीड कर लेना. ओके, फिर इसके बाद ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ आपने डायग्राम को तैयार कर लेना. और इस जो ये वाली डायग्राम ये बस थ्योरी के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाइवा के लिए भी नहीं बल्कि ओसपी में ये डायग्राम बहुत ज्यादा आती है. तो इन डायग्राम को तैयार कर लेना, कॉजेस ऑफ सेल इंजरी इनकी हेडिंग को तैयार कर लेना और इनके अंदर मोटी मोटी बातें जो हाइपोक्सिया और इस्कीमिया का डिफरेंस है इसको अपने बाद में करना है. सबसे इंपॉर्टेंट जी चीज़ जो स्टार्ट हो गई है वह रिवर्सिबल सेल इंजरी, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है. नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के फर्क तो इतनी मरतबा आ चुके हैं एग्जाम में, जितनी मरतबा पूरी पैथोलॉजी नहीं आई हुई. कहने का मतलब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को अच्छे तरीके से तैयार करना है. ओके, फिर नेक्रोसिस वाला टॉपिक है, नेक्रोसिस की सिर्फ ये वाला जो पैराग्राफ है शुरू वाला उसको रीड कर लेना. फिर जो असल चीज़ आती है इसकी, थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी से MCQs आ सकती है, लेकिन जो असल चीज़ है जो MCQs और SCQs दोनों के अंदर आती है, वाइवा के अंदर भी पूछी जाती है, ओसपी के अंदर भी आ जाती है, इसकी डायग्राम्स और मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस को अच्छे तरीके से करना है. एपोप्टोसिस है, एपोप्टोसिस का ये आ जाता है एग्जाम में कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन कौन सी है, पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी है. ठीक है, और फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस में आपको कहता हूँ कि आप ये वाले डायग्राम तैयार कर लो, ये वाले डायग्राम तैयार कर लो और ये वाले डायग्राम तैयार कर लो, आपके सारे एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म कवर हो जाएंगे. इसके बाद जो अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ हैं इनके सिर्फ नाम तैयार कर लो और मोटा मोटा मैकेनिज्म इसका सिर्फ डायग्राम, उसके डायग्राम को तैयार करो. आउट ऑफ फेजे के एग्जाम में आती है पैथोलॉजिकल आउट ऑफ फेजे के, पैथोलॉजिकल आउट ऑफ फेजे की एग्जाम्पल्स क्या होती है. फिर जो टॉपिक स्टार्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी रिलेटिवली माइनर है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है ये इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रियल की डैमेज होने की वजह से नेक्रोसिस कैसे होगा, एपोप्टोसिस क्या होगा, अच्छे तरीके से कर लेना. ठीक है, फिर आप आ जाते हो इस टॉपिक में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाले में. एग्जाम के अंदर ये सवाल आता है कि फ्री रेडिकल किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, रिमूव कैसे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनका पैथोलॉजिकल इफेक्ट. या तो आप थ्योरी पढ़ लो या फिर ये वाली डायग्राम तैयार कर लो. ठीक है, ओके, कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है रिलेटिवली वाइवा में पूछा जाता है, थ्योरी में तो नहीं पूछा जाता. और इस चैप्टर में फिर हाइपोक्सिया स्कीमिया ये वाले डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये वाले जो सफ़े हैं ना, यहाँ से क्लिनिक और पैथोलॉजिकल कोरिलेशन लेकर अडाप्टेशन तक, बल्कि जो यहाँ पर हाँ अडाप्टेशन तक, ये वाले सफ़े तो आपने छोड़ने नहीं है. अडाप्टेशन है, हाइपोक्सिया स्कीमिया में डिफरेंस क्या होता है, स्कीमिक रिपोर्ट फ्रेन इंजरी में क्या होता है, ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, उसको नहीं छोड़ना. जो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. यहाँ से वाइवा हो सकता है, यहाँ से प्रैक्टिकल में पॉइंट्स आ सकती है, लेकिन थ्योरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. थ्योरी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन है, मेटास्टैटिक और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. सिर्फ इनके डिफरेंस को तैयार कर लेना, चार पाँच डिफरेंस होते हैं और कुछ भी नहीं करने की जरूरत. इसके बाद जो सेल एजिंग का टॉपिक बहुत ज़्यादा माइनर है, मैं तो कहता हूँ उस टॉपिक को करो ही ना, सिर्फ इसकी डायग्राम को तैयार कर लो और फिर इसके समरी को तैयार कर देना. ठीक हो गया, तो ये आपको मैंने सिलेक्टिव मार्किंग बता दी है. अब हम यहाँ से पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है वो अडाप्टेशन से रिलेटेड है. आपको पता है कि अडाप्टेशन रिवर्सिबल चेंजेस होती है सेल के साइज के अंदर, सेल के नंबर के अंदर, सेल के फिनोटाइप के अंदर, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर, सेल के फंक्शन के अंदर. अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम की डेफिशिएंसी है, मैं इसी स्पीड से चलना पसंद करूँगा. तो जो अडाप्टेशंस होती है, हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी है, ओके, और इसके बाद मेटाप्लेजिया आ जाता है. तो इन सारी अडाप्टेशन की डेफिनेशन, इनका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या होता है, फिर इनकी फिजियोलॉजिकल और इनकी पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल. सबसे पहली अडाप्टेशन है इंक्रीज इन द सेल. अगर सेल के साइज बढ़ने की वजह से किसी भी टिश्यू ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी. और जो हाइपरट्रॉफिड ऑर्गन होती है उनके अंदर कोई न्यू सेल नहीं बनती है, बल्कि सिर्फ सेल का साइज बढ़ जाता है. सेल का साइज बढ़ने की वजह यह होती है कि प्रोटीन के सिंथेसिस को ज्यादा हो गई है और जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उनके सिंथेसिस ज्यादा हो गया. ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस और जो ऑर्गेनेल्स है उनका नंबर ज्यादा हो गया है, लेकिन सेल का नंबर नहीं, सेल का साइज बढ़ गया है. ठीक हो गया, ओके.
नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर किसी सेल के ऊपर स्ट्रेस लगता है तो उसमें हाइपरप्लेजी और हाइपरट्रॉफी दोनों हो जाती है, ठीक है। और आपने हर अडाप्टेशन की कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल को जरूर नोट करना है। हाइपरट्रॉफी ना इंडिविजुअल के अंदर होती है, या सॉरी इन टिश्यूज के अंदर होती है, उन सेल के अंदर होती है जो अपने तादाद को बढ़ा नहीं सकते। अब फिजियोलॉजिकल के अंदर आपने एग्जाम्पल को नोट करना है कि फिजियोलॉजिकल जो होती है वो स्केलेटल मसल के अंदर होती है और हार्ट के अंदर होती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल की। और इसके अलावा जो यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके अंदर हाइपरट्रॉफी भी होती है। और यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वहाँ पर आपको हाइपरट्रॉफी के अलावा जो हाइपरप्लेजिया भी देखने को मिल सकता है यूट्राइन स्मूथ मसल का। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में पहले एग्जांपल आती है हार्मोन इंड्यूस इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, ओके। और यूट्राइन हाइपरट्रॉफी कराने वाला हार्मोन क्या होता है, वो एस्ट्रोजन होता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल की सिंथेसिस बढ़ जाती है, सेल का साइज बढ़ जाता है, ओके। तो स्केलेटल मसल का बढ़ जाना यूट्राइन मस्कुलेचर है, और एक हद तक कार्डिक जो होती है हाइपरट्रॉफी वो भी फिजियोलॉजिकल के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर अगर आफ्टर लोड काफ़ी ज़्यादा है, वर्क लोड काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज वर्क लोड। अब हाइपरट्रॉफी को इंड्यूस कराने वाले कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर किसी मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से आ सकते हैं, ओके, या किसी और दूसरे स्टिमुलस की वजह से आ सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, दैट इज इंक्रीज वर्कलोड, या एगोनिस्ट हो सकते हैं, जैसे सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है, एंजियोटेंसिन है, या कोई ग्रोथ फैक्टर होते हैं लाइक इंसुलिन, लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ओके, इनकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी तो मैंने आपको बता दिया, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी क्या होती है, जो ज़्यादा जो होता है ना आफ्टर लोड काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर जो आप हाइपरटेंशन की वजह से या वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ की वजह से हार्ट की जो कार्डिक हाइपरट्रॉफी होती है वो पैथोलॉजिकल में आना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से हार्ट फेल्योर आगे हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है, यानी हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल का ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है, किस रिस्पॉन्स में होती है, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज वर्क लोड है, इंड्यूस करने वाले ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होती है, दूसरे स्टिमुलस की वजह से होती है, उन टिश्यूज के अंदर होती है, उन सेल के अंदर होती है जो कि सेल डिवीजन नहीं कर सकते, किन किन के अंदर, फिजियोलॉजिकल होती है प्रेगनेंसी में यूट्राइन इनलार्जमेंट, और पैथोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल यूट्राइन और पैथोलॉजिकल के अंदर हार्ट की होती है, इन हाइपरटेंशन और वेल्वुलर हार्ट डिजीज। इसके बाद नंबर टू पॉइंट है वो है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया के अंदर हार्मोनल या दूसरे ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन की वजह से सेल का नंबर बढ़ जाता है, जो उन टिश्यू के अंदर होती है जिनके पास स्टेम सेल्स होते हैं, या फिर वो सेल डिवाइड कर सकते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए, ओके। फिजियोलॉजिकल क्या होती है कि जो ब्रेस्ट एसिनाई होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, ओके। देखिए फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या आती है, जो ब्रेस्ट के एपिथेलियम की होती है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में होती है, प्यूबर्टी में और प्रेगनेंसी में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों होती है, ओके। यानी पहले हाइपरप्लेजिया होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन होता है, फिर उस ग्लैंडुलर एपिथेलियम की इनलार्जमेंट होती है, पहले हाइपरप्लेजिया और फिर इसके बाद हाइपरट्रॉफी होती है, तो इसको बोलते हैं हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। कभी कभार कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया लीवर के अंदर होता है क्योंकि लीवर के अंदर एक्सीलेंट रीजनरेटर कैपेसिटी होती है। इसके अलावा बोन मैरो के अंदर भी कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया हो सकता होता है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का नाम आपने सुना होगा, ओके, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो कि मेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। और इसके अलावा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, जो कि एबनॉर्मल हार्मोन इंड्यूस हाइपरप्लेजिया को इंडिकेट करता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद प्रोलिफेरेटिव एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन एस्ट्रोजन की वजह से होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर इसके बाद आपकी जो होती है प्रोलिफ्रेशन वो कम से कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए या एब्सोल्यूट या एस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन एब्सोल्यूट के रिलेटिव बढ़ जाए तो इस केस में पैथोलॉजिकल हाइपर प्लेजिया हो सकती है, किसकी, एंडोमेट्रियल ग्लैंड की। तो फीमेल के अंदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड है और दूसरा मेल के अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि एंड्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। अगर कोई पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हो या फिर हम कह सकते हैं कि परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया हो तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। यानी जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है या परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया है तो उनकी वजह से डिसप्लेजिया हो जाएगा, डिसप्लेजिया से कार्सिनोमा इन सीटू हो जाएगा, कार्सिनोमा इन सीटू से मज़ीद आगे कैंसर वगैरह हो सकता है, ठीक हो गया, ओके। तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी हाइपरप्लेजिया की। तो एबनॉर्मल के अंदर आपने एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन के अंदर एंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन ऑफ ग्लैंड्स को लिख लेना है। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो स्किन के ऊपर वार्ड्स करवा देते हैं, म्यूकोजल लीजन करवा देते हैं, या वायरस ऐसे फैक्टर प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि होस्ट के प्रोटीन के साथ इंटरफेयर करते हैं, ऐसी होस्ट की प्रोटीन जो हमारे सेल की प्रोलीफ्रेशन को कंट्रोल करवा देती है, ओके। और यानी हाइपरप्लेजिया के मैकेनिज्म के अंदर ग्रोथ फैक्टर ड्रिवन प्रोलीफ्रेशन होती है, या फिर टिश्यू स्टेम सेल से नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है एट्रोफी। एट्रोफी के अंदर
ऑर्गन का साइज कम हो जाएगा, और ऑर्गन के साइज कम होने की सबसे बड़ा वजह ये हो गई कि सेल का नंबर और सेल का साइज दोनों कम हो गया, यानी इसमें सेल का नंबर और सेल का साइज दोनों कम हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गन का साइज कम हो गया है। ओके, अब इसके भी डिफरेंट कॉजेज हो सकती है, यानी ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। जो फिजियोलॉजिकल होता है ये नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल नोटोकॉर्ड एंड थायरोग्लोसल डक्ट है उनकी एट्रोफी होती है ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, और जो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का मैकेनिज्म होता है ऑटोफेजी। अब पैथोलॉजिकल एट्रोफी के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, या तो वर्कलोड कम हो गया, या फिर इनर्वेशन खत्म हो गया, या फिर ब्लड सप्लाई कम हो गया, या फिर न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट थी, या एंडोक्राइन स्टिमुलेशन खत्म हो गई है, या प्रेशर अप्लाई हो रहा था। तो ये पैथोलॉजिकल की डिफरेंट टाइप्स होती है। और आपको पता है कि जो एट्रोफी का मैकेनिज्म क्या होता है, एट्रोफी में ये होता है कि जो हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस कम से कम हो जाती है और प्रोटीन की डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है बाय ऑटोफेजी। ओके, तो जो डिक्रीज वर्क लोड आपको बता दिया, लॉस ऑफ इनर्वेशन बता दिया, तो डिक्रीज वर्क लोड को बोलती है डिसयूज एट्रोफी, डिनर्वेशन एट्रोफी, इसके बाद इस्कीमिक एट्रोफी है, माइल न्यूट्रिशन है, ये सारे इसके कॉजेज होते हैं एट्रोफी के। नेक्स्ट है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के अंदर जो डिफरेंशिएटेड सेल होती है उनका क्या होता है, फिनोटाइप चेंज हो जाता है, यानी वो रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप या एपिथेलियल या मेसेनकाइमल सेल दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल टाइप से रिप्लेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया एपिथेलियल भी हो सकता है और कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है, मेसेनकाइमल भी हो सकता है। ओके, अब जो एपिथेलियल है वो स्क्वेमस टू कॉलमनर भी हो सकता है, कॉलमनर टू स्क्वेमस भी हो सकता है, यानी मेटाप्लेजिया के अंदर जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल है उनका फिनोटाइप चेंज हो सकता है क्रोनिक इरिटेशन की वजह से, जिसकी वजह से सेल सर्वाइवल का तो अटेन कर लेते हैं लेकिन उनका अपना फंक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके, और इसके अंदर असल में ये होता है कि जो टिश्यू स्टेम सेल है उनकी डिफरेंशिएशन अल्टर हो जाती है, टिश्यू स्टेम सेल कुछ और प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इसकी एग्जाम्पल बैरेट एसोफेगस है, इसकी एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि जो हमारे ब्रोंकियल एपिथेलियम होती है, ओके, जो एपिथेलियम होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक या एपिथेलियम है वो बन जाती है किसके अंदर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, या फिर इसोफेगस के एपिथेलियम बैरेट लाइक बन जाती है, बैरेट इसोफेगस बन जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया के अंदर मायोसाइटस ऑसिफिकेंस आ जाएगा। ओके, तो यह हो गया मेटाप्लेजिया के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो बता रहे हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। तो जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, आपको पता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर मेनली दो चीज़ें देखने को मिलती है, पहला सेलुलर स्वेलिंग और दूसरा होता है फैटी चेंज। तो सेलुलर स्वेलिंग है उसका मेन मैकेनिज्म होता है कि वाटर का इन्फ्लक्स हो जाना। असल में जो सेलुलर स्वेलिंग के अलावा ऑर्गेनली की भी स्वेलिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग होती है, राइबोसोम डिटैच होना शुरू हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, न्यूक्लियर क्रोमेटिन की क्लंपिंग देखने को मिलती है। मेन मैकेनिज्म ये होता है कि वाटर एंटर होना शुरू हो जाता है। तो दो चेंजेस होती है, सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंज। फैटी चेंज मेनली लीवर के अंदर होती है क्योंकि लीवर ही फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता होता है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस ऐसी होती है जो अल्ट्रा स्ट्रक्चरल होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखने को मिलती है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टरेशन, ब्लैबिंग, ब्लंटिंग और लॉस ऑफ माइक्रोविलाई है। माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस के अंदर उसकी स्वेलिंग आ सकती है, मॉर्फस डेंसिटीज आ सकती है, माइलिन फिगर की एक्यूमुलेशन हो सकती है साइटोसोल के अंदर। असल में जो माइलिन फिगर्स होती है ये फॉस्फोलिपिड के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो असल में परऑक्सीडाइज्ड लिपिड के ऊपर मुश्तमिल होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायलेशन हो सकती है, राइबोसोम डिटैच हो सकती है, न्यूक्लियर अल्टरेशन हो सकती है, ग्रेनुलर और फिब्रिलर एलिमेंट की डिसएग्रीगेशन हो सकती है। तो ये सारी अल्ट्रा स्ट्रक्चरल मैनिफेस्टेशन होती है। इसके बाद नेक्रोसिस है, तो नेक्रोसिस की उसकी आई थिंक नेक्रोसिस की ये मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन कर रही है। ओके, तो यानी रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेलुलर स्वेलिंग होती है, फैटी चेंज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होती है, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई होती है, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होती है, डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इओजिनोफिलिया हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज साइटोप्लाज्मिक आरएनए। जबकि यहाँ पर जो नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस के अंदर भी इओजिनोफिलिया बढ़ जाएगा। ओके, इओजिनोफिलिया बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि साइटोप्लाज्मिक आरएनए लॉस होना शुरू हो जाते हैं और जो डीनेचर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है वो जमा होना शुरू हो जाती है। जो नेक्रोटिक सेल है उनकी ग्लासी होमोजीनस अपीयरेंस हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल, क्योंकि जो ग्लाइकोजन के पार्टिकल है उनमें खत्म होना शुरू हो जाती है, माइलिन फिगर्स आना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर माइलिन फिगर्स को या तो फेगोसाइटोसिस हो जाएगी या फिर उनकी फैटी एसिड की डिग्रेडेशन हो जाएगी, फिर फैटी एसिड की कैल्सिफिकेशन होगी जिसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हो तो फिर नेक्रोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन में डिसकंटिन्यूटी आना शुरू हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की डायलेशन को ज्यादा बढ़ जाती है, एमॉर्फस डेंसिटीज को ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर्स देखने को मिलती है, एमॉर्फस डेब्रिस और एग्रीगेट देखने को मिलते हैं फ्लफी मटीरियल के जो डीनेचर प्रोटीन को इनकोड करते हैं, न्यूक्लियर चेंजेस तीन टाइप की होती है, पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस। तो ये नेक्रोसिस की सारी मॉर्फोलॉजी है, इंक्रीज इओजिनोफिलिया, न्यूक्लियर श्रिंकेज, फ्रेगमेंटेशन, डिसोल्यूशन, ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन, अबेंडेंट माइलिन फिगर, तो ये सारी इसकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है। अब पैटर्न ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस है। अब आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम इसको तीन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सॉरी छः टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है कॉगुलेटिव, लिकोफेक्टिव, गैंग्रीनियस, कैजियस, फैट और फिब्रिनाइट नेक्रोसिस। इसके अंदर जो एक है जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं फिब्रिनाइट, बाकी सारी हमें ग्रॉस लेवल के ऊपर देखने को मिल जाती होती है।
कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की सारी एग्जांपल होती है, यानी आपके तमाम बॉडी के ऑर्गन्स हैं सिवाय सीएनएस के, जिसमें स्कीम एक नेक्रोसिस होती है, तो वो कोएगुलेटिव के अंदर आता है। सीएनएस के अंदर लिक्वोफेक्टिव है या सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया या फंगल इन्फेक्शन आ गया। गैंग्रीनस के अंदर लिम्स और बाउल वाला वर्ड यूज़ होता है। केजीएस के अंदर टीबी वाला आ जाता है ग्रैनुलोमा। फैट के अंदर पेनकिनाटाइटिस आ जाएगा। फिब्रिनाइट के अंदर वेस्कुलाइटिस आ जाएगा। पोलियाट्राइटिस नोडूजा आ जाएगा। वेस्कुलाइटिस सिंड्रोम वगैरह कह लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे थे एटीपी डिप्लेशन। अगर एटीपी की कमी हो जाती है तो वही एटीपी की कमी हो जाएगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं करेगा, रिवर्सिबल इंजरी हो जाएगा, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी। और एटीपी की कमी की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा जो हो जाएगा तो एटीपी की सिंथेसिस कम से कम हो जाएगी। जब एटीपी की सिंथेसिस कम से कम हो जाएगी तो वो हाइपोक्सिक इंजरी में भी हो सकती है या केमिकल टॉक्सिक इंजरी में भी हो सकती है। इस केस में जब एटीपी नहीं होगा तो फिर फाइनली आप एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ चलना शुरू कर देंगे। ओके, सेल इंजरी आ जाएगा, वो नेक्रोसिस की तरफ एक्सटेंड कर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, एटीपी डिप्लेशन है, ये सारे मैकेनिज्म लिखे हैं। ओके, यानी अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने की वजह से दोनों फैक्टर एक्टिवेट हो सकती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। अगर सर्वाइवल सिग्नल कम हो गया है, डीएनए प्रोटीन की डैमेज हो गया, तो इस केस में प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन कम हो जाती है। BCL-XL आपने नाम सुना होगा, आपको पता है कि जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी होती है, बैक्स और बैक होती है, जबकि सेंसर के अंदर BH3 प्रोटीन आ जाती है जिनको हम कह सकते हैं बैड बीम बिड पूमा नोक्सा, जबकि एंटी अपोप्टोटिक के अंदर BCL ओके BCL-XL MCL ओके तो ये आ जाती है एंटी अपोप्टोटिक के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा इन्फ्लक्स ऑफ कैल्सियम आयन। जब कैल्सियम आयन सेल के अंदर एंटर होता है तो फिर वो सारे के काफ़ी सारे एंजाइम को एक्टिवेट कराना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर जो कैल्सियम होता है फॉस्फोलिपिड्स को एक्टिवेट करा देगा तो वो फॉस्फोलिपिड को तोड़ देगा। प्रोटीज को एक्टिवेट करा देगा तो वो प्रोटीन को तोड़ देगा। एंडो न्यूक्लियस को एक्टिवेट करा देगा तो वो न्यूक्लियस को उड़ा देगा। ATPase को एक्टिवेट कर देगा तो वो ATP को कम कर देती है। ओके, तो ये कैल्सियम के थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है, कैल्शियम की पैथोलॉजी आ जाती है। अब यहाँ पे लिखा है कि एकोमुलेशन ऑफ ROS, अब एग्जाम में आपसे सवाल आ सकता है कि जो ROS होती है किन किन रिएक्शन से प्रोड्यूस हो सकती है, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है या रेडिएंट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद प्रोड्यूस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन में रिस्पायरेटरी बर्स्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं या एक्सोजीनस केमिकल या ड्रग के मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होते हैं, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्रांजिशन मेटल्स की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है, लाइक आयरन कॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं क्योंकि वो एंडोथेलियल सेल मैक्रोफेजेस न्यूरॉन के अंदर प्रोड्यूस होता है न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में या माइक्रोबायसिडल एक्शन के तौर पर। हम इनको रिमूव कराने के लिए एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट का सहारा लेते हैं, लाइक विटामिन ए विटामिन सी है विटामिन ई है एस्कॉर्बिक एसिड है ग्लूटाथायोन है या फिर हम आयरन या कॉपर को चिलेट कर लेंगे। आयरन को चिलेट करने वाली फेरेटिन है ट्रांसफेरिन है लैक्टोफेरिन है, कॉपर को चिलेट करने वाली सेरालोप्लाज्मिन होती है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फ्री रेडिकल को स्कैवेंज कर लेते हैं लाइक कैटालेज परऑक्सीडेज सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है, तो एंजाइम्स को यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट को यूज़ करते हैं या इनको चिलेट कर लेते हैं। अब इनके क्या पैथोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं फ्री रेडिकल के, तो फ्री रेडिकल क्या करते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पर जो लिपिड की परऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन करवा देते हैं, डीएनए को डैमेज कर देते हैं। प्रोटीन के मॉडिफिकेशन या डीएनए के डैमेज होने की वजह से एपोप्टोसिस और मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो फिर नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने एपोप्टोसिस के कुछ मैकेनिज्म लिखे हैं। आपको ये बताया था कि जो एपोप्टोसिस होती है प्रोग्राम सेल डेथ होती है जबकि नेक्रोसिस एक पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है। एग्जाम में बहुत मरतबा इनका पूछा जाता है डिफरेंस, तो नेक्रोसिस के अंदर सेल का साइज बढ़ जाता है, एपोप्टोसिस के अंदर सेल का साइज कम हो जाता है। न्यूक्लियस की जो चेंजेस होती है नेक्रोसिस के अंदर पिकनोसिस है कैरियोटैक्सिस कैरियोलाइसिस है, एपोप्टोसिस के अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है इनटू न्यूक्लियोसोम साइज फ्रेगमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्रोसिस में डिस्टर्ब होती है लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, स्पेशली लिपिड्स के ओरिएंटेशन खराब हो जाती है। जो सेलुलर कंटेंट होते हैं नेक्रोसिस के अंदर उनके एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है वो लीक आउट कर जाती है, लेकिन अपोप्टोसिस के अंदर सेलुलर कंटेंट इंटैक्ट होते हैं वो अपोप्टोटिक बॉडी के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। नेक्रोसिस में साइड वाले ऑर्गन पे इन्फ्लेमेशन होती है लेकिन एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और जो नेक्रोसिस होता है हमेशा पैथोलॉजिकल है जबकि एपोप्टोसिस है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम में सवाल आता है कि एपोप्टोसिस किन किन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आ सकता है, तो सुपर न्यूमरी सेल को रिमूव कराना हो, ठीक हो गया, या फिर आपने हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू की इन्वोल्यूशन हो गई है, हार्मोन खत्म हो गया तो फिर टिश्यू की इन्वोल्यूशन हो गई है, सेल टर्नओवर होता है, या पोटेंशियली सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट को निकाल देना, या इन्फ्लेमेशन के बाद जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल है उनकी डेथ हो जाना, तो ये आ जाती है फिजियोलॉजिकल। जबकि पैथोलॉजिकल के स्टिमुलस क्या क्या होते हैं, डीएनए डैमेज हो गया, मिसऑर्डर्ड प्रोटीन की एक्युमुलेशन हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, या फॉर एग्जांपल किसी डक्ट की किसी जैसे पेनक्रियास की एक पेनक्रियाटिक डक्ट होती है तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, यानी ऐसे पैरेन्काइमल ऑर्गन जिनकी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर गई है सिक्रेशन आगे पास नहीं कर पा रही तो उनमें एपोप्टोसिस हो जाता है, लाइक पेनक्रियास पैरोटिड ग्लैंड एंड किडनी। ओके, आपको ये भी पता है कि जो इसके दो तरह के पाथवे होते हैं, इसके
एपोप्टोसिस के, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक को माइटोकॉन्ड्रियल और एक्सट्रिंसिक को डेथ रिसेप्टर पाथवे कहते हैं। एक्सट्रिंसिक इनिशिएट कराने वाला FAS या CD95 या FASL लाइगेंड बोलते हैं, जबकि दूसरा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिसेप्टर होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रियल या इंट्रिंसिक पाथवे के लिए ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल, DNA डैमेज बाय रेडिएशन, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है, या प्रोटीन मिसफोल्डेड है। आपको ये भी पता है कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है, इसके अंदर कौन सा इनिशिएटर कैसपेज होता है? इनिशिएटर कैसपेज कौन सा होता है? दो कैसपेज 9 होता है, ठीक है। कैसपेज 9 किस में आता है? इंट्रिंसिक वाले में। जबकि एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर कैसपेज 8 होता है। फाइनली उन्हें कैसपेज 3 को एक्टिवेट करवाना होता है। ओके, तो 8 और 9 का थोड़ा सा फर्क आप नोट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर बताया हुआ डेपोजिशन ऑफ इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन की बात करें, अच्छा डेथ रिसेप्टर की बात करें, तो डेथ रिसेप्टर पाथवे है ये सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट को रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या फिर साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट से डैमेज हो गया सेल उनको रिमूव कराने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इनिशिएट होता है डेथ रिसेप्टर से, जो कि TNF के फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, वो बाइंड करते हैं लाइगेंड के साथ। अब आपको पता है कि जो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होती है वो किन की वजह की वजह से, या तो ज़्यादा इंटेक कर लिया, या इनके ट्रांसपोर्ट डिफेक्टिव हो गया, या न्यूट्रिएंट की कैटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से सेल के अंदर न्यूट्रिएंट की एक्युमुलेशन होना शुरू हो गई है, तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। ओके, अब जो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होती है वो कार्बोहाइड्रेट की भी हो सकती है, जिसमें हम ग्लाइकोजन कहते हैं, लिपिड्स की भी हो सकती है, प्रोटीन की भी हो सकती है, कुछ पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, हाइलिन चेंजेस होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। पहला इन्होंने हेडिंग दिया हुआ है फैटी चेंज। ओके, फैटी चेंज, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि किन किन कंडीशन के तहत ऐसा हो सकता है, या तो आपने रिमूवल इनएडिक्वेट थी किसी भी सब्सटेंस की, या फिर उसकी ट्रांसपोर्ट फॉल्टी थी, या फिर आप डिग्रेडेशन नहीं कर पा रहे थे, या एबनॉर्मल एक्सोजीनस सब्सटेंस को एकोमोडेट कर रही थी। तो पहला इन्होंने फैटी चेंज को एक्सप्लेन किया हुआ है। फैटी चेंज के अंदर जो टैग की एकोमोलेशन हो जाती है स्पेसिफिकली लीवर के अंदर, वजह क्या होता है कि आपने ज़्यादा इंटेक कर लिया, या फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये रिवर्सिबल सर्जरी की मैनिफेस्टेशन होती है। कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो सकती है ज़्यादा इंटेक की वजह से, स्पेशली मैक्रोफेजेस के अंदर। और यहाँ पे प्रोटीन की लिखी हुई है कि प्रोटीन की डेपोजिशन हो सकती है, ग्लाइकोजन की डेपोजिशन हो सकती है, पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। पिगमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक पिगमेंट होते हैं एंडोजीनस, एक होते हैं एक्सोजीनस। एंडोजीनस के अंदर लाइपोफ्यूसिन, मेलानिन और आयरन आ जाते हैं, जबकि एक्सोजीनस के अंदर कार्बन है और टैटू आ जाएगा। जो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन है दो टाइप की होती है, डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक होती है। जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है इसके अंदर सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन इस केस में सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल होने के बावजूद भी सेल के ऊपर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे नॉर्मल टिश्यू वो मरना शुरू हो गया, यानी एथिरोमा वाली साइट्स पे देखने को मिलती है, या किसी नेक्रोटिक एरिया पे देखने को मिलती है, या किसी ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड की डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है, चाहे वो डिस्ट्रॉफिक हो चाहे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो। तो जो कैल्शियम के साल्ट बनती है वो बेसोफिलिक अपीयरेंस की होती है, मॉर्फस होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, क्लम्प्ड फॉर्म में होते हैं। कभी कभार किसी टिश्यू के अंदर वो हीटरोट्रॉपिक बोन भी बना सकती है। कभी कभार वो थायराइड पैपिलरी कैंसर, जो थायराइड का पैपिलरी कैंसर होता है, तो उसमें सेमोमा बॉडी बना देती है, ये लंग्स के अंदर ये एस्बेस्टोस बॉडी बनाना शुरू कर देती है। ओके, जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है इसमें सीरम कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है। ओके, जो सीरम कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने की क्या क्या वजह हो सकती है, कि पैराथायराइड की ज़्यादा सिक्रेशन हो गई है, या बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो गई है, विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन हो गई है। ओके, या रीनल फेलियर हो चुका है, एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन है, या बिल कलिकली सिंड्रोम हो चुका है, इस केस में मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन आना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट वो बताता है वो आगे सेलुलर एजिंग की तरफ आ जाता है। सेलुलर एजिंग वाला टॉपिक रिलेटिवली माइनर होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये नोट कर लेना कि जो सेल की DNA डैमेज के जो सेल की एजिंग है उसको क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं। कार्सिनोजन की एक्सपोजर हो सकता है, सेलुलर इनसेनेसेंस आ सकती है, या डिफेक्टिव प्रोटीन होमियोस्टेसिस है, या न्यूट्रिएंट सेंसिंग है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ये टॉपिक वैसे माइनर है जब इसको एक्सप्लेन नहीं करना हमें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पहले पूरे चैप्टर के सेल इंजरी, सेल डेथ और अडाप्टेशन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता जो कि जो सारे पॉइंट्स हैं ना, सारे रॉबिन के जो समरीज होती है ये वहाँ से डिराइव किए गए हैं। तो अगर आपने कोई किसी भी पॉइंट को अगर आपने पढ़ना है तो ये सारा बिल्कुल समरी से उठाए हुए पॉइंट्स, तो आप समरी को पढ़ लो, या बेशक इन पॉइंट्स को पढ़ लो, ये आपकी मर्जी है।